अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू द खैर किचन। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ 10 मिनट में बनाए रेस्टोरेंट स्टाइल शाही पनीर की रेसिपी, जो कि बहुत ही टेस्टी और बहुत ही इजी तरीके से बनता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। 3 प्याज हमने ऐसे काट ली है, 4 टमाटर इसे भी कट कर लिया है, 1 तेज़पात का पत्ता, 1 कटोरी क्रीम, 1 कटोरी दही, 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 चम्मच भुनी हुई कसूरी मेथी, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, आधी चम्मच हल्दी, 2 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच चीनी, 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच ज़ीरा, 2 बड़ी इलायची, 5 छोटी इलायची, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 8-10 काले मिर्च, 4-5 लौंग, थोड़े से बटर, 10-15 काजू। अब हमने एक कढ़ाई ली है जिसे हमने मीडियम फ्लेम पे गरम कर लिया है। इसमें मैं डाल रही हूँ ऑयल। ऑयल गरम होने के बाद मैंने इसमें डाल दिया है प्याज। प्याज को हमें हल्का नरम कर लेना है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ तेज़पात का पत्ता, अदरक लहसुन का पेस्ट, इसे हम चला लेंगे जब तक अदरक लहसुन की रॉ स्मेल नहीं ख़त्म हो जाती। अब मैं इसमें डाल रही हूँ छोटी इलायची, दालचीनी का टुकड़ा, बड़ी इलायची, लौंग, काली मिर्च और ज़ीरा। इसे हम मिक्स कर लेंगे, फिर इसे हम चला लेंगे अच्छे से। हमें इसे मीडियम फ्लेम पे ही गलाना है। अब हम इसमें डाल रहे हैं दही। दही डालने के बाद हम इसे चलाएंगे क्योंकि दही जो है अपना पानी छोड़ेगा। ये देखिए दही ने अपना पानी छोड़ दिया है। अब हम इसमें डाल रहे हैं नमक, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर और धनिया पाउडर। इसे डाल करके हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अच्छे से इसे भून लेंगे मसालों को। ये देखिए मसाले बिल्कुल भुन गए हैं और इसका तेल भी जो है वो ऊपर आ गया है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर। सारे टमाटर डाल करके हमें इसे मिक्स करना है अच्छे से। इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद अब मैं यहाँ डाल रही हूँ इसमें 1/2 कप पानी, ताकि टमाटर जो है वो गल जाए। इसे मैं 2 मिनट के लिए ढक दूँगी। टमाटर हमारा गल चुका है। इसमें मैं ऐड कर रही हूँ काजू। काजू डाल करके मैं इसे अच्छे से चला लूँगी। अब मैंने इसमें चीनी डाली है। चीनी डाल करके मैंने गैस का फ्लेम जो है वो ऑफ कर दिया है और इसे मिक्स कर दिया है। आप इसे चाहें तो मिक्सर में भी पीस सकते हैं, लेकिन मेरे पास हैंड ग्राइंडर था तो मैंने उसमें इसे ग्राइंड कर लिया है। बिल्कुल ही फाइन ग्राइंड करना है हमें इसे। इसे मैंने एक बर्तन में निकाल दिया है। ग्राइंड करने से पहले मैंने इसमें से तेज़पात का पत्ता हटा लिया है। अब मैंने यहाँ पे लिया है 300 ग्राम पनीर, जिसे मैं क्यूब साइज़ में कट कर लूँगी। आप इसे अपने अकॉर्डिंग किसी भी साइज़ में कट कर सकते हैं। मैंने यहाँ मीडियम फ्लेम पे कढ़ाई गरम कर ली है। इसमें मैं डाल रही हूँ ऑयल। ऑयल डालने के बाद मैंने इसमें डाला है बटर। बटर को हम मेल्ट होने देंगे। बटर मेल्ट होते ही मैं इसमें डाल रही हूँ कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। इसे हम चला लेंगे, इसे मिक्स कर लेंगे। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ अपना मसाला, जो मसाला हमने पीस के रखा था। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ पानी। आप अपने अकॉर्डिंग इसमें पानी ऐड कर सकते हैं कि आपको आपकी ग्रेवी कितनी गाढ़ी और पतली चाहिए। मैंने हमारी ग्रेवी थिक रखी थी। अब मैं डाल रही हूँ इसमें तेज़पात का पत्ता, जो मैंने निकाल दिया था। इसमें एक उबाल आने तक का वेट करेंगे। उबाल आने के बाद मैंने इसमें पनीर डाल दिया था। सारे पनीर डालने के बाद इसे हम चला लेंगे।
अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ भुनी हुई कस्तूरी मेथी। उसके बाद मैंने इसमें डाला क्रीम। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 2 मिनट के लिए ढक देंगे। 2 मिनट बाद हमने गैस का फ्लेम ऑफ कर दिया है और हमारा रेस्टोरेंट स्टाइल शाही पनीर बनकर तैयार है। आपको हमारी वीडियो कैसी लगे हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ऐसे ही इजी इजी रेसिपी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नई वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।